हेलो दोस्तों, विक्की राज रेलवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब लगता है वो कैसे लगता है, और क्या आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके लिए वो जॉब कैसा है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब लगने के कितने तरीके हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है क्या, देखिए कभी कभी न्यू लाइन का वर्क होता है, या उसको जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, ठेकेदार से उसको बोलते हैं, वो क्या करते, इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ब्रिज वगैरह बनना हो, न्यू लाइन का निर्माण करना हो, बहुत सारे न्यू अगर रेलवे लाइन अगर बिछाना हो तो उसके लिए होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो उसके लिए देखिए तीन तरीके होते हैं रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो कुछ लोग प्राइवेट से होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, वो प्राइवेट से वर्क वगैरह करते हैं, वो लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है, 10,000, 15,000, 20,000 के हिसाब से। अपना अपना सुपरवाइज़र कोई होते हैं, कुछ लेबर होते हैं, वो सारे कैटेगरी को जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम लोग डिपार्टमेंट में रेलवे में अगर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे जेई का पोस्ट जो जेई है, और वो जेई सर हमारे अगर चाहेंगे कि अगर हम उसमें ज्वाइन कर ले तो वो जा सकते हैं। एसएससी भी उसका, तो कॉन्ट्रैक्टर का भी एक एसएससी होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एक जेई होता है उसका, वो भी चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकता है। तो वो लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनको वो गवर्नमेंट का होता है, उसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते। उसको क्या है कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा कमाई है। कमाई कैसे है, तो आपको क्या है कि उसमें टीए मिलता है, उसमें 300 दिन का शायद टीए मिलता है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन सुने कि सारे दिन का टीए उसमें मिलता है। आपको वो खाना वगैरह भी खिलाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट पर मान लीजिए काम चल रहा है तो खाना पीना सब वही देती है, आपको गाड़ी से वहाँ पहुँचा भी देगी, वहाँ वर्क हो जाएगा, फिर शाम को आपको रिसीव करके फिर डाल देगा। लेकिन उसका एक ये ज़िंदगी होता है, खाना बस उसका ज़िंदगी हो जाता है, मतलब आपको एक फिक्स नहीं रहता है, आपको चेंज करते रहेगा। एक महीना दो महीने का कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए इस लोकेशन में है तो इस सेक्शन में डालेगा, मान लीजिए अगला बार जिला चेंज हो गया तो दूसरे जिले में लेके जाएगा, फिर दो चार महीना काम चलेगा, पाँच महीना छः महीना, फिर वहाँ से चेंज कर देगा। मतलब आप अस्थाई नहीं हो के, आप अस्थाई होता है, वो हमेशा बदलते रहता है। और उससे तीसरा तरीका ये है कि हाल ही में हमारे बहुत सारे रेलवे में, सिर्फ हमारे पास ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग में, आसाम में कुछ हमारे दोस्त रहते हैं, बहुत सारे अजमेर वगैरह में बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग बताते रहते कि वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली किया गया था। तो एक 15 अगस्त का वीडियो हमने डाला था, तो वहाँ पे हमने आपको कुछ लड़कों से मिलवाया होगा, आप अगर नहीं देखे तो वहाँ देख सकते हो, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वर्क कर रहे थे, हमारे जैसे ही लड़के लोग थे, जो नए नए लड़के जो होते हैं, वो जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो सब इसमें जॉब में ज्वाइन किए थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब उसको हटा दिया गया, हम सारी बात आपको बताएंगे डिटेल में कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस मॉक एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ बहुत सारे टेस्ट वहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ सब देखिए, रेलवे हो गया, एसएससी, बैंकिंग, सारे एग्जाम का वो एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप रेलवे की स्पेशल तैयारी करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में जाने के बाद आपको यहाँ देखिए बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर टेक टेस्ट पर क्लिक करके फर्स्ट टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि कैसा टेस्ट है, आप यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद आप बाई नो कर सकते हैं आपको लेना है तो। लेकिन सबसे बढ़िया दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है कि यह फ्री क्यू जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगे, और ये सबसे बढ़िया है, आप यहाँ से फ्री में टेस्ट लगाइए, कोई आपको इसके चार्ज देने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए चैप्टर वाइज आपको दिए गए टेक टेस्ट, क्लिक करके आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको ओनली रेलवे ग्रुप डी का ही चाहिए तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, जो 199 में पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा दोस्तों एक चीज़ ये है कि आप इसको यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक का जो प्रो देख रहे हैं, अगर इसको अगर आप लेते हैं तो आपको 799 में पूरे टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, भी एक साल के लिए। आप यहाँ पे व्यू प्लान पर अगर देखेंगे तो आपको देखिए सारे बैंक के यहाँ पे, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी, अदर एग्जाम का, स्टेट बोर्ड हो गया, सारे को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आपको अदर इंडिविजुअली लेने का जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में लेके उसको देख सकते हैं। साथ में अगर आप 6 मंथ का चाहिए तो आप यहाँ पर 6 मंथ का भी ले सकते हैं, तो आपको जो प्लान आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट प्रैक्टिस मॉक के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और यहाँ से अब इसको ये सब टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको चेक जरूर कीजिए, और इसके साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको एक साल का या कुछ दिन का, एक साल का शायद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, 1 साल 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो यहाँ के लोकल लड़के जो होते हैं, जो मान लीजिए यहाँ के हम जो रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के और भी लड़के लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ मैट्रिक है, कुछ इंटर पास होते हैं, कुछ ग्रेजुएट है, तो वो लोग क्या है कि वो लोग अगर आना चाहे तो इसमें आ सकते हैं, वो लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो लोग को जॉब देता है। हालांकि उसमें सैलरी का भी कम रहता है, 8,000 का उसमें मंथली मिलता है। और हाँ, उसमें एक ये फ़ायदा होता है कि उसको हम लोगों के साथ ही काम करवाया जाता है, हम लोग जो रहते हैं तो गैंग वगैरह वर्क होता है, बहुत सारे वर्क होते हैं। एक लेबर होता है, एक लेबर जो मजदूर वगैरह होता है, जो रेलवे में हार्ड काम होता है, ड्रेसिंग करना होता है, स्लैग पैकिंग करना होता है, वो थ्रू डीप स्क्रीनिंग होता है, वो वर्क नहीं होता है, वो वर्क लेबर लोग करते हैं। तो वो लोग उसका एक मतलब डेली बेसिस पे उसको दिया जाता है, 300, 350, 400 उसका डेली बेसिस होगा, वो उसको देते हैं, वो अलग मैटर हो जाता है, वो आप जॉब नहीं कर सकते, वो आपके बस की बात नहीं है। कि जो स्टूडेंट होते हैं वो उतना हार्ड वर्क कर ही नहीं सकते, तो वो आप उसको छोड़ दीजिए, वो एक लेबर हो जाते हैं। तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग उसमें आकर जॉब करते हैं।
वो मतलब मजदूरी करते हैं तो वो अलग हो जाता है। लेकिन एक ये जो अभी काउंटर के बेसिस पे तो जॉब हुआ था, इसमें क्या दिया गया था, उसमें एक उसका एक आधार कार्ड लिया गया था, बैंक अकाउंट नंबर लिया गया था और एक शायद मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट लिया गया था ताकि ये पता चले कि वो पढ़ा लिखा है। तो वो उस पर ज्वाइन हुआ, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने शुरू में ही छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग जैसा वर्क करते हैं तो हम लोग के साथ कुछ लोगों को ढल गया तो वो किया, कुछ लोग छोड़ कर चले गए। हालांकि उसमें सैलरी कम था, 8,000 था। लेकिन अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले उसका टाइम हो गया है, उसको क्या किया कि उसका अचानक से कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया गया। वो ऊपर से बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो गया है, अब यहाँ हम इसको नहीं रखेंगे, मतलब इसको हम ख़त्म कर दिए। सारे लड़कों लोगों को जितने लोग वर्क कर रहे थे वो लोग सबको जॉब से हाथ धोना पड़ा, मतलब वो लोग चले गए, छोड़ दिए। हालांकि पैसा कम मिल रहा था उन लोगों को, लेकिन वो लोग ठीक था, लोकल यहाँ के स्थायी लोग सब हैं, निवासी यहाँ के हैं, तो वो लोग का एक बेनिफिट ये होता है उसके आप आसपास एरिया में उसको जॉब करना था, मतलब ड्यूटी होता था, वो बाइक से आ जाता था किसी का बगल में तो बगल में जॉब कर लेता था, तो उसका ये फ़ायदा होता कि अपना घर का रेंट नहीं देना होता था, खाना का पैसा थोड़ा बहुत बचता था, मतलब खर्च कम होते थे, तो उसको ये बेनिफिट होता है। और आप सोचेंगे क्या आप उसमें ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते थे? देखिए दोस्तों, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या है कि वो आप सोचेंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ आकर ज्वाइन करें तो आप वो संभव नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल लोकल लोगों के लिए दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपको दे भी देगा तो आपको क्वार्टर नहीं देगा रहने के लिए, वो रेलवे कोई फैसिलिटी नहीं देगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यहाँ के लोकल निवासी है वो लोग थे, तो वो लोग अपने घर यहाँ पर उसका है तो वो लोग घर से आकर जॉब करते थे, अपना आकर करते थे, सब उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके एरिया में भी होता होगा, हर एरिया में होता है, तो आप वहाँ से उसको जॉब जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी शायद हमारे यहाँ तो ख़त्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, वो बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब उसको हम करेंगे। और अगर पैसे की बात, तो पैसा शायद कुछ बढ़ाया था उसको, बहुत लोग लड़के लोग जो थे जॉब किए जो ज्वाइन किए हुए थे, तो वो लड़के लोग बोल भी रहे थे कि पैसा हम लोग को बढ़ाइए, तो कुछ 500,000 करके बढ़ा रहा था वो। हालांकि पैसा इसमें कम देता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, मुझे जितना नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों ये एक चीज़ होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यही वर्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई एक स्थाई नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, आपको कभी भी वो हटा सकता है, वो आपको एकदम ठीका लेकर नहीं रखा कि आपको ज़िंदगी भर परमानेंट कर देगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ एक था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी किसी का लंबा जब चलता है ना, अगर 2 साल 4 साल 5 साल तक अगर चलेगा, 6 साल 10 साल तक, तो बाद में परमानेंट कर देता है। आपने देखा होगा कि ब्लॉक में, हमारे ब्लॉक वगैरह में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई वर्क आता है ब्लॉक में, अनुमंडल कार्यालय में, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ कंप्यूटर वर्क वगैरह के पोस्ट आते हैं जो संविदा बेसिस उसको कहा जाता है। तो संविदा बेसिस पे जो आते हैं उन लोग क्या है कि पहले तो वो कम पैसा पे जॉब करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको परमानेंट कर देता है। तो ये हमने देखा है, लेकिन हमने भी यही सोचा था कि यहाँ इन लोगों को परमानेंट कर देगा। हमने लड़कों लोगों को बोला भी था कि तुम लोग इसी में रहो, कुछ दिन थोड़ा कष्ट होगा करो, उसके बाद परमानेंट अगर कर दिया तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन खैर बीच में ही हटा दिया गया, तो ये इसका फिक्स नहीं रहता है, बाद में परमानेंट कर भी देता है कहीं जगह, कितने जगह नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ये थोड़ा एक्सपंड हो जाता है। इसलिए आपको इसमें आना मेरे हिसाब से सही नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप परमानेंट ये जॉब के बारे में सोचिए। परमानेंट रेलवे में जब आते हैं इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए और परमानेंट सिलेक्शन लीजिए। गवर्नमेंट ओरिजिनल आपका जो रहेगा परमानेंट रहेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, आपको कोई हटा नहीं सकता वहाँ से। हालांकि दोस्तों आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा, आप तैयारी करते रहिए, हार नहीं मानना है, आपको जॉब ले लेना है हर हाल में, वो आपको मिलेगा ही, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जॉब तो मिलेगा ही। रेलवे नहीं है, कोई और भी जॉब आएगा वैकेंसी, अब उसमें लेकर आइए, स्टेट का निकलता है, बिहार पुलिस है, या अदर स्टेट का पुलिस निकलता है, सब इंस्पेक्टर का निकलता है, क्लर्क का निकलता है, तो आप जितनी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो जाता है तो और अच्छी बात है, और जल्दी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो आप तैयारी करते हैं, हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगे रहना है। दोस्तों यही सारी बहुत सारी बातें हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट अगर हो रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूं। और आप या और भी मेरे से डिटेल में बात करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ऑलरेडी बुक ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा विक्की राज रेलवे के नाम से, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लड़के उसमें हैं, वहाँ मैसेज वगैरह भी करते हैं, हमसे बातें भी करते रहते हैं, मैं कुछ कुछ में लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ, और भी लड़के लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, अपना स्कोर वगैरह शेयर भी करते हैं कि कितना उनका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो आप भी वहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके और आप भी एग्जाम क्रैक कर सके, तो आप वहाँ से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि रेलवे में क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कैसे वर्क वगैरह होता है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।